आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इंद्रापुर स्थित प्राचीन देवी माता रानी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम में व्यासपीठ से आचार्य महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भक्तजनों को कथा सुनाई। इंद्रपुरी स्थित प्राचीन देवी माता रानी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम में व्यासपीठ से आचार्य महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कथा के माध्यम से सुनाया। आगे पेट में पहुंचे, अजगर सर्प के पेट में होते दांत, अब बड़े बड़े दांत दिखाई दिए, घबराए, बड़े बड़े ग्वाल भाग हो गए, यहाँ तो चक्कर में फंस गए। छोटा ग्वाल बाल कहने का, तुम पागली हो का बिल्कुल, क्यों कि जब संत तपस्या करेंगे तो उनके झोली वगैरह कपड़े कहाँ टांगेंगे, उनकी खुटी अपने अपने थैला इसी पर टांग दो, तो सबने अपने अपने थैला टांग दिए। होली वृंदावन बिहारी राज। देवी मां मंदिर में हो रही कथा में शहर भर से भक्तजन पहुंच रहे हैं। युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अतुल बंसल ने बताया कि वृंदावन धाम के संजय शास्त्री महाराज को भागवत कथा कहने में महारत हासिल है। उनकी कथा सुनकर ऐसा लगता है कि वह वृंदावन में बैठे हुए हैं। यहाँ देवी भागवत वो भागवत चल रही है कृष्ण जी की, आज रुक्मणी का विवाह का कथा का वो है और कल भागवत समापन हो जाएगी, प्रसाद दिए सब। माँ सप्तपदी दरबार के अंदर जो है जो भगवान की जो है भक्ति का भाव है उसमें जो है रुक्मणी विवाह की लीला और फूलों की जो है होली की लीला का प्रसंग आज जो है आदरणीय संजय कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो है सुनाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्त्री और पुरुष जो है भागवत गीता का जो है लाभ उठा रहे हैं। यह भागवत हो रही है, इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मथुरा में वृंदावन में बैठे हुए हैं। हम भी मथुरा की ये लड़की हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने बिल्कुल सब कुछ त्याग के रोजाना ऐसे हुआ करे। इंद्रपुरी दरबार में श्री संजय शास्त्री द्वारा भागवत कथा का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसमें आज सातवां दिन है, जिसमें आज जो है रुक्मणी विवाह का प्रसंग महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। कृष्ण भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, क्या क्या किस प्रकार ब्रज में लोगों को संदेश दिया, उस तरह का व्याख्यान संजय शास्त्री जी ने किया है। बहुत धूमधाम से रुक्मणी विवाह मनाया जा रहा है, जिसमें सभी भक्त हर्षोल्लास के साथ इसका आनंद ले रहे हैं। कुछ दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन 8 मार्च को होगा। इस पावन अवसर पर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।